क्या आपको फ्लाइट 914 के बारे में पता है? यह एक ऐसा प्लेन था जो न्यूयॉर्क से 1955 में उड़ान भरता है और 1992 में यानी कि 37 साल बाद वेनेजुएला के कैपिटल में लैंड करने की परमिशन मांगता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पूछा कि यह प्लेन कहां से आ रहा है और फ्लाइट नंबर क्या है, तो पायलट ने बताया कि हम न्यूयॉर्क से आ रहे हैं और यह फ्लाइट 914 है। यह बात सुनकर सबके होश उड़ गए और उन्होंने जल्दी उन्हें परमिशन दी। दोस्तों, उस प्लेन के अंदर 57 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे। वह लैंड हुआ और पायलट की बात हुई। पायलट ने उनसे पूछा कि यह कौन सा साल है, तो उन्होंने साल बताया और पायलट ने बस इतना कहा, ओह माय गॉड, और फिर वह दोबारा से हवा में उड़ गया और फिर लापता हो गया। ऐसा कहा जाता है कि फ्लाइट 914 एक ऐसा प्लेन था जो टाइम ट्रेवल करके भविष्य में से 30 साल आगे पहुंच गया था। वैसे वो फ्लाइट तो चली गई पर सब